भारत में हाल के दिनों में कई नए स्टार्टअप्स और टेक कंपनियां अपने आईपीओ लेकर आई, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन कंपनी पेटीएम के आईपीओ ने इतिहास रच दिया। कोल इंडिया ने 15,000 करोड़ का आईपीओ जारी किया था, जो अपने वक्त रिकॉर्ड था। लेकिन अब पेटीएम ने 18,300 करोड़ का आईपीओ जारी किया और 3 दिन में 1.89 गुना आईपीओ सब्सक्रिप्शन हो गए। पेटीएम ने आईपीओ के लिए प्रति शेयर 2080 से 2150 रुपए की दर तय की थी और 4.83 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां मंगाई थी, लेकिन 9.14 करोड़ शेयरों को बिड्स मिली। वहीं छोटे सब्सक्राइबरों के लिए रखे गए शेयरों को 1.66 सब्सक्रिप्शन आया। नॉन इंस्टीट्यूशनल निवेशकों की कैटेगरी की बात करें तो यहां 24% और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की कैटेगरी में 2.79 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ। ये तो वो आंकड़े हैं जो पेटीएम के आंकड़े जारी होने के बाद के हैं, जिन्होंने इतिहास रचा। इंडस्ट्री के दिग्गजों ने इस बात के लिए पेटीएम और पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा की तारीफ भी की है। पेटीएम आज देश के बड़े फिनटेक कंपनियों में से एक है और आज भले ही कंपनी इतिहास रच रही हो, लेकिन एक वक्त था जब कंपनी को कड़े संघर्षों से गुजरना पड़ा। आप ये जानकर हैरान हो सकते हैं कि कंपनी चलाने के लिए विजय शेखर शर्मा ने 24% ब्याज 8 लाख रुपए का लोन लिया था। पेटीएम और विजय शेखर शर्मा का सफर काफी दिलचस्प है, साथ ही एक स्टार्टअप के यूनिकॉर्न कंपनी बनाने की कहानी अपने आप में प्रेरणादायी है। ये कहानी जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2 दशक पहले, यानी साल 2000 में। सदी बदल रही थी, दुनिया में पहले ही .com का बूम आ चुका था, इंटरनेट बाजार की मांग बना और भारत में इंटरनेट ने दस्तक दे दी थी। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कम्युनिकेशन स्ट्रीम में पढ़ाई करने के लिए विजय शेखर ने एक वेबसाइट बनाई और उसे बेच दिया। बाद में विजय शेखर ने 197 कम्युनिकेशन कंपनी बनाई। शुरुआती दिनों से इस वेबसाइट पर रिंग टोन्स, क्रिकेट अपडेट्स, जोक्स, एग्जाम रिजल्ट्स और मोबाइल के लिए कंटेंट थे। लेकिन विजय शेखर शर्मा ने जिंदगी का बड़ा फैसला लिया साल 2009 में पेटीएम शुरू करने का। लेकिन क्या आपको पता है कि विजय शेखर शर्मा को पेटीएम शुरू करने का आइडिया मिला कहां से? हम बताते हैं। विजय एक बार चीन में थे और वहां उन्होंने एक सब्जी वाले को मोबाइल फोन से पैसे लेते देखा। इसके बाद विजय जब भारत लौटे तो पेटीएम वॉलेट की शुरुआत की। पेटीएम ने डिजिटल ट्रांजेक्शन को आसान किया और शुरुआती दिनों में लोगों को मिलने वाले कैशबैक ने इसका बाजार बढ़ाया। साल 2017 तक आते आते पेटीएम पहला पेमेंट ऐप बना जो 100 मिलियन डाउनलोड हो चुका था। पेटीएम को बड़ा फायदा हुआ नोटबंदी के वक्त। नोटबंदी के वक्त देश में 500 और 1000 के नोट बंद हुए। लोगों ने जल्दी और बगैर झंझट के लेन देन में डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए पेटीएम का रुख किया। विजय शेखर शर्मा की 197 कम्युनिकेशन में निवेशकों की बात करें तो इसमें एक वक्त पर अलीबाबा ग्रुप के जैक मा ने काफी बड़ी हिस्सेदारी खरीदी थी और रतन टाटा ने भी इसमें निवेश किया था, जो कि इस कंपनी में सलाहकार के पद पर भी हैं। निवेश को लेकर विजय शेखर ने एक बार किस्सा सुनाया था कि एक टेक कंपनी के मालिक ने विजय से कहा कि अगर वो उनकी डूबती हुई टेक कंपनी को फायदे में ले आएंगे तो वो विजय की कंपनी में निवेश करेंगे। और विजय जब उनकी कंपनी को फायदे में लेकर आए तो उन सज्जन ने 197 कम्युनिकेशन में 40% की इक्विटी खरीदी। आज पेटीएम भारत में 11 भाषाओं में उपलब्ध है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। पेटीएम आज सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शन ऐप नहीं, बल्कि पेटीएम बैंक और पेटीएम मॉल भी इसके वर्टिकल्स हैं, जिसमें हजारों करोड़ का निवेश है। भारत ने अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो उसमें भी पेटीएम का काफी बड़ा योगदान है। ये तो थे पेटीएम से जुड़े कुछ फैक्ट्स, किस्से और उसका सफर। लेकिन एक स्टार्टअप को $1 बिलियन और फिर $16 बिलियन के वैल्यूएशन वाली कंपनी बनाने के पीछे वही अलीगढ़ का लड़का है जिसका कभी हिंदी मीडियम से पढ़े होने के कारण अंग्रेजी में हाथ तंग था, और वही लड़का आगे चलकर 38 साल की उम्र में भारत का सबसे कम उम्र का बिलियनियर बना।